फ्रेंड्स 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का आज हमारा फर्स्ट दिन था, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो आपको ट्रेड दिया था आपने क्या उसके ऊपर ट्रेड लगाया और कितना प्रॉफिट हुआ। और अगर आप लोगों ने भी ट्रेड लगाया होता कितना आपने प्रॉफिट किया होता पूरा हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। साथ में जो ये 30 डेज का मैंने आपको चैलेंज दिया है इसको एक्सेप्ट करने के बाद, इसको कंप्लीट करने के बाद आपका ट्रेडिंग का जो माइंड सेट है वो चेंज होगा और आप रियल ट्रेडिंग को पहचान पाओगे। इसका एक ही मकसद है कि आप लोग एक ट्रेडर, जिसको ट्रेडर बोलते हैं, वो बन पाओ, ना कि आप गैम्बलिंग यहाँ पे करो, क्योंकि इसके अंदर आपको यही चीजें पढ़ाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हमने आज किसके ऊपर ट्रेड किया वो बात करेंगे, कितने पिप का प्रॉफिट रहा, और जो मैंने आपको कल लॉट साइज बोला था फर्स्ट वीडियो के अंदर, जो हमारा इंट्रोडक्शन था ट्रेडिंग 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज, अगर आपने वो नहीं देखा जाकर तो पहले वो देखो। और ये हमारा फर्स्ट डे है, इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे जो हमने कल मैंने आपको बोला था। और जितने भी लोग ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए वो जाके ग्रुप में ज्वाइन करके अभी देखो, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, मैंने सारे स्क्रीनशॉट वहां पे सेंड किए जो मैंने खुद प्रॉफिट निकाला है। बाकी आप लोगों ने कहां पे ट्रेड लिया, कितना प्रॉफिट निकाला, क्या लॉट साइज लिया, वो आप खुद कंपेयर करना मेरे वाले के साथ। और एट द एंड ऑफ 30 डेज आप अगर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे, मेरे साथ ट्रेड करोगे 30 डेज मेरे कहने के ऊपर, जो मैंने लॉट साइज बताया है, जो मैंने चीजें यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको 30 डेज कंटिन्यू, तो आप एक नेक्स्ट लेवल के ट्रेडर बन जाओगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैंने कौन सी पेयर्स के ऊपर आज ट्रेड किया। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड किया आज गोल्ड के अंदर, जिसको आप बोलते हो XAUUSD, ठीक है। यहाँ पे हमने बाई की कॉल दी थी आज, बाई, आप कौन से, मैंने आपको बोला था बाई, यहाँ पे 2025 पे हमने बाई किया था। मेरा ग्रुप आप लोग चेक कर सकते हो, जो लोग ग्रुप में नहीं है, और यहाँ जो लोग ऑलरेडी हैं उन्होंने अगर देखा नहीं जाके देख सको, मैंने हर टाइम यहाँ पे स्क्रीनशॉट सेंड किया है। ये हमारी बाई की कॉल थी, फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग चैलेंज। मैंने आपको बोला जिसको जिसका अकाउंट $100 का है, 2500 का इस हिसाब से आप आगे चलाओ, फिर 1000 का है, तो क्या लॉट साइज होगा। लॉट साइज मैटर करता है, पहले सबसे पहला ये चीज ध्यान दो, अगर आपका लॉट साइज गलत है तो आप ट्रेडिंग में लॉस करोगे। $100 के ऊपर आप क्या चाहते हो, कितना आपका प्रॉफिट डेली का हो। अगर आपके पास $100 है, मतलब आप मैं आपको बोलता हूँ कि $10 उस इक्विटी का 10% अगर डेली निकाल रहे हो तो वो बहुत काफी है। तो इसके लिए आपको ट्रेडिंग में कितने पिप चाहिए, 100 पिप्स। तो मैंने क्या बोला, लॉट साइज क्या होना चाहिए, 0.01। तो हमने 25 पे बाई किया था, 30 हमारा यहाँ पे पहला टारगेट था, 35 सेकंड टारगेट था, जबकि 38 तक मार्केट गई थी। आप 3 पिप को काट लो, 100 पिप, मतलब $10 हमारा दिन का आज पक्का हो गया। और मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, मैंने जितने भी लॉट लिए मैंने ऑलमोस्ट 130 पिप्स का प्रॉफिट किया है बाइंग में। अब जिसका 100 का था उसने अगर ये वाला लॉट लिया होगा, जिसका 500 का था उसको क्या लॉट लेना है वो आपको सही से पता है, उसका कितना होगा, हमें $50 प्रॉफिट हुआ होगा। जिसका 1000 का है उसको $100 प्रॉफिट हुआ होगा, अगर उसने यहाँ पे इस वाले ने अगर 0.05, यहाँ पे अगर 0.10, ये जो लॉट है ये सेफ लॉट साइज है, इस पे आपका अकाउंट कभी खाली नहीं हो सकता, ये इसे बता रहा हूँ मैं। इन लॉट साइज के ऊपर आपका अकाउंट खाली नहीं सोचता, लेकिन आप हर दिन का इतना पैसा कमाओगे, अगर आपके पास $50 मतलब 50,000 आपके पास है और आप हर दिन का 5,000 रुपए कमा रहे हो, 50,000 के ऊपर हर दिन का 5,000, तो क्या ये आप सोच रहे हो कम इक्विटी है। अगर आपको ये कम लग रहा है, अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन, देखो वीडियो यहाँ पे लंबी मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये सब चीजें आपके काम की है, क्योंकि ये 30 डेज का ट्रेडिंग चैलेंज, इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं आपके माइंड के ऊपर काम करने वाला हूँ, आपने अपने माइंड को ट्रेन करना है। आपको अगर लगता है कि $100 के ऊपर दिन का $10 बहुत कम है, जो मैं आपको बोलता हूँ कि बहुत काफी है, ये 10% है, आपको लगता है $1000 के ऊपर $100 दिन का कमाना बहुत कम है। अब मान लो आपके पास $10,000 का अकाउंट है, कितना $10,000 का, तो जिस हिसाब से मैंने आपको लॉट साइज बोला है आपको क्या लेना है, इसमें कितना लॉट साइज बनेगा आपका, देखते हैं कितना, आप कमेंट करके बोलो, जल्दी से वीडियो को स्टॉप करो, कमेंट करो, अगर आपका $10,000 का है तो कितना लॉट साइज, जो मैंने आपको बोला है 100 पे अगर 0.01 का मैंने यहाँ पे आपको बोला है, तो फिर कितना आपको इस पे लेना है, 0.01 अगर 100 पे लेना है आपको, तो यहाँ पे बनेगा आपका एक स्टैंडर्ड लॉट, स्टैंडर्ड जैसे जैसे होता है 0.10, 100, 50, 60, 70, फिर 99, उसके बाद आता है एक स्टैंडर्ड लॉट, हम इसको 1 को बोलते हैं स्टैंडर्ड। इसके लिए आपका एक स्टैंडर्ड लॉट रहेगा, अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट लेते हो दिन का 100 पिप्स, तो कितना बनेगा आपका रहेगा, 10 × सीधे आएगा आपका 100, वो बनेगा आपका $1000, दिन का $1000, 10,000 के ऊपर
एक वीक में $5,000, दो वीक में पैसा डबल, वैसा यहाँ पे भी होगा $100 के ऊपर लॉट साइज में, दो वीक में पैसा डबल, आपको यकीन नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसमें ट्रेडिंग है ये। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, आपको ये वाला आपको बहुत लग रहा होगा कि यार 1,000-10,000 अगर अकाउंट में कर दूंगा तो मैं अगर दो वीक में उसको 10,000 और कर दूंगा डॉलर, ये तो बहुत बड़ा पैसा है। लेकिन 100 पे आपको बहुत कम लग रहा है या 500 पे, क्योंकि अगर आपका इक्विटी कम है तो उसमें आपकी दिक्कत है, लेकिन आपका 10% दिन का बहुत ज्यादा है। अब इसमें यह है कि आप हर दिन प्रॉफिट नहीं निकालोगे, हर दिन आपका अगर $100 का या 1,000 का जो भी है आपका हर दिन मान लो, लेकिन जो मैंने आपको बोला कि 30 डेज मैं अगर जिस हिसाब से आपको मैं चलाऊंगा 30 डेज तक आपकी गारंटी है, 30 डेज में आप 4 वीक रख लो, ठीक है 4 वीक, एक वीक में होते हैं 5 दिन, क्योंकि भाई मार्केट 2 दिन बंद रहती है, तो 5 × 4 मतलब 20 डेज आएगा हमारा 4 वीक के अंदर। तो हम मानते हैं कि वीक के जो मेरा एनालिसिस रहता है, जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ, अगर मैं वीक में 5 दिन आपको दूंगा, 4 दिन तो आपका प्रॉफिट पक्का, ठीक है 1 दिन लॉस, 4 दिन आपका प्रॉफिट पक्का, 4 × 4 मतलब 16 डेज आपका प्रॉफिट, ठीक है। तो ये अब एट द मंथ के एंड में, अब जो हमारा पहले डेज था, जो हमारा आज का ट्रेडिंग डे था, वो हमारा प्रॉफिट में गया, कितना गया उस डे हमारा प्रॉफिट, ये 120 पिप गया। हम यहाँ पे 100 ही कैलकुलेट करेंगे, मतलब जो मैंने आपको टारगेट दिया है कि 10% आपको दिन का निकालना है, वो यहाँ पे पहला दिन हमारा सक्सेसफुल रहा, निकल गया, आज का हमारा प्रॉफिट निकल गया। लॉट साइज आपको याद रखना है $100 के ऊपर, फिर से लिखता हूँ 0.01। जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, चाहे व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम हो, ग्रुप को ज्वाइन करो, वीडियो को सब लोग शेयर कर दो और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन करो। इसके अलावा कोई भी डाउट आ रहा है, अगर आपको, अब मैं आपको जो यहाँ पे देता हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां पे आपको सिर्फ ट्रेड देता हूँ, एनालिस्ट देता हूँ, बाकी जो हमारा VIP ग्रुप है वहां पे हमारा पक्का होता है कि VIP ग्रुप बाय कहाँ पे करना है, सेल कहाँ पे करना है, ऑलरेडी VIP ग्रुप में लोग हैं वो भी। लेकिन एक चीज बोलता हूँ, जो VIP ग्रुप में भी लोग हैं वो भी क्या करते हैं, जो मैं आपको देता हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 से ऊपर हमारे VIP में ऐसे लोग हैं जिन्हें 101 साल की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, कुछ लोग 6-6 मंथ के हैं। मैं टारगेट देता हूँ, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो मेरे साथ होल्ड कर पाए ट्रेड, मैं होल्ड ट्रेड को करता हूँ, मैं अपने ग्रुप में भी शेयर करता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, मेरा एक ही रहता है कि मैं ट्रेड को जितना हो सके मैं होल्ड करूँ। क्योंकि आपने देखा होगा, आप एक चीज देखो, आपने नोटिस की होगी कि जब आप ट्रेडिंग करते हो आपका लॉस होता है, आप ट्रेड नहीं काटते, आपका अगर आपका 0.01 का भी लॉट है वो आपका 30 माइनस में कट जाता है, खुद ही अकाउंट खाली होता है, $50 में कर देता। तो क्या आप 0.01 के लॉट से $50 नहीं कमा सकते? अगर आप लॉस कर सकते हो तो कमा क्यों नहीं सकते? लॉस करते हो कैसे होता है लॉस, इतना बड़ा लॉस, क्योंकि आप ट्रेड नहीं काटते, अब लंबा होल्ड करते हो। तो सेम यहाँ करो ना, जब प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों काट रहे हो? अगर एनालिसिस सही है तो लंबा होल्ड करो, जाने दो मार्केट को कहां तक जाएगी, जितना जाएगी होल्ड करो, सुबह ट्रेड ले रहे हो जब तक आपके पूरे 100 पिप का टारगेट रखो दिन का, जब तक 100 पिप नहीं होता है मार्केट को मत काटो। अगर एनालिस सही है, अगर एनालिस उल्टा है तो फिर तो स्टॉप लॉस खा लो और काट लो। तो एनालिस आपको मैं दे रहा हूँ, आपको डेली इस चैनल पर मिलेगा। और जिन लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं आती बिल्कुल एकदम से, उनके लिए हमने एक नया यहाँ पे कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिनको नहीं आती कुछ भी, जिनको सीखना है या जिनने आधा अधूरा सीखा है, हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग A to Z कोर्स स्टार्ट किया है, A to Z, जिसके अंदर हर एक चीज सिखाई जाएगी, वो भी हम आज से आपको सिखा रहे हैं, उस वाले सीरीज को भी जाके देखो। बाकी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके, ये हमारा डे वन का था, मेरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट आज $300 प्लस का हुआ, जो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, आप लोग जाके देखो, मैंने 0.3 का लॉट लिया था, 0.10 का लॉट लिया था, जाके चेक करो, जो लोग वहां पे उन्होंने ऑलरेडी चेक किया, टेलीग्राम ग्रुप में आप हर रोज देख पाओगे, वहां पे तो शेयर कर ही रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पे सारा चैट वहीं रहता है। तो जो लोग नए हैं वो जाके देखो, और जो ऑलरेडी ग्रुप में वो देख ही रहे हैं, बाकी कोई भी डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप में मेरा यूजर नेम है, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर है, वहां पे मेरे को आप पर्सनली मैसेज करो। और ये 30 डेज चैलेंज आप सबको एक्सेप्ट करना होगा अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, वरना मैं यही बोलूंगा कि आपके जितने पैसे अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, उनको निकाल दो और आगे से ऐड मत करना, ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि ट्रेडिंग बच्चों का खेल नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो के ऊपर आपको 20 मिनट देख के आपको बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन आप पूरे दिन क्या करते हो, ट्रेड लेते हो, पूरे दिन उसको देखते रहते हो, बाई सेल, एट द एंड आपका कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ होता, अगर एक दिन निकालते भी हो अगले दिन लॉस करते हो, या एक वीक निकाल भी दिया नेक्स्ट वीक आपका सारा अकाउंट खाली होता है। तो ऐसा मत करो, पहले सीखो,
अगर सीख भी लिया है तो अपने माइंड के ऊपर काम करो, कैसे कितना रिस्क लेना है, कितना नहीं लेना है, कब होल्ड करना है, कब आपको ट्रेड काटना है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको इसमें अपना माइंड ट्रेन करना होता है। अगर अपने माइंड को ट्रेड नहीं ट्रेन नहीं कर पाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इस वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि कैसे मैंने जो प्रॉफिट निकाला है, बाकी मैं ग्रुप में शेयर कर ही रहा हूँ, वहां पे कर दूंगा। वो जो हमारा कल का दिन होगा वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि हमारा क्या रहेगा कल, उसके ऊपर हमारा 30 डेज के लिए ये पूरी 30 वीडियोस आएंगी हर दिन, और आप यहाँ पे सीखोगे। अभी मैं आगे दिखाऊंगा कि ट्रेड कहाँ पे लेना होता है, कब बाय करना था, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कब काटना है, सारी चीजें हम इस 30 डेज के कोर्स, एक हिसाब से कोर्स है, इससे आपका माइंड ट्रेन होगा और आप सीखोगे। यहाँ पे आप फर्स्ट डे था आज, जैसे मैंने आपको प्रॉफिट ही बताया कि हमारा प्रॉफिट होगा कि नहीं, क्योंकि आप मार्केट जाके खुद चेक कर सकते हो। 24 आज डेट है, सुबह 11 बजे हमने 11 बजे कुछ 11 बजे के आसपास मैंने ट्रेड दिया था, 2025 पे मार्केट थी। अगर कोई नया है तो जाके चेक कर सकता है, और मैं आपको अपने ग्रुप में डाल दूंगा सेकंड चार्ट, मैंने डाल दिया ऑलरेडी। उसके बाद 30 पे गई मार्केट, 35 से ऊपर हमारा टारगेट था, यहाँ पे ये हिट हुआ ऑलमोस्ट 38 के 39 के पास मर गई। फिर शाम को 7 बजे मार्केट क्रैश, जहां से हमने बाय किया था वहां से नीचे भी आ गई, तो लेकिन हमने ट्रेड नहीं किया क्योंकि हमारा प्रॉफिट हो चुका था, हमको रिस्क लेने का ही नहीं। मैंने आपको क्या बोला फर्स्ट वीक के अंदर कि अपना प्रॉफिट हो गया खत्म, मार्केट कहीं भी जाए ओवर ट्रेडिंग करने ही नहीं है। तो सब लोग ओवर ट्रेडिंग, कोई भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करेगा, लॉट साइज प्रॉपर यूज करो। ये 30 डेज के लिए बता रहा हूँ, मेरे लिए करो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग 30 डेज तक यार कुछ नहीं, जहां आपने इतने मंथ अपना पैसा वेस्ट किया, यहाँ पे मैं आपका पैसा वेस्ट नहीं होने दूंगा। और बाकी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारा 10K का चैलेंज है, सब्सक्राइबर 10K सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब पे, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं हम दूसरी वीडियो के अंदर और कल ट्रेडिंग में। थैंक यू फ्रेंड्स।